हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपके साथ ये आपके लाइफ में हो सकता है। आपके जो कार्मिक लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उनसे डिटैच होते हुए, उनको लेट गो करते हुए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है जिन लोगों को अभी तक हमने प्रायोरिटी दी थी वो तो किसी लायक थे ही नहीं, और इनके लिए जितना भी किया जाए, कितना भी किया जाए या किया गया, सब जीरो लेवल हो गया, क्योंकि उन्हें उनकी वैल्यू नहीं दी गई। तो इस वजह से आपके पार्टनर उनसे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, उनकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है, चाहे उन्होंने जितना कर दिया, उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि थर्ड पार्टी के लिए जितना भी एफर्ट किया था सब जीरो है, कोई वैल्यू नहीं। जैसे आप लोगों की वैल्यू आपके डीएम नहीं करते थे, ऐसे उनके कार्मिक उनको सबक दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं कि आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आपके जो डीएम हैं वो चेंजिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से गुजर रहे हैं, और यही डिवाइन की तरफ का रास्ता उन्हें ले जाया जा रहा है। जो मैंने आपको बोला था कि ये दो तीन दिन से आपके पार्टनर जो चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है 77 पोर्टल पे, तो यही मेजर शिफ्ट है कि आपके पार्टनर कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, डिवाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको एक्सेप्टेंस मोड पे हैं। आप तक ना बात कर पाना और आपको ढूंढना, चाहे वो ड्रीम में ढूंढ रहे हों, चाहे आप हो सकता है डे ड्रीम देख रहे हो, आपके साथ सपने सजा रहे हों, या आपको रियलिटी में आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी डिवाइन नहीं चाहेगा कि आप लोगों के बीच में वो इतना ईजी उनको आपके तक पहुँचने दिया जाए। तो डिवाइन इंटरवेंशन का जो गेम चलेगा वो यही होगा कि आप वो करना चाहेंगे, तड़फेंगे, टूट रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आप तक बात करने का उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब उन्हें एक्चुअल में जो लेसन मिल रहा है उनको अच्छे से समझ आ तो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन भी अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि उनका कर्मा रिलीज कराना है तो डिवाइन उनको रोकेगा, तो आपके ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अगर उनके साथ कुछ होता है तो आपको आपके साथ भी आपकी फैमिली में भी ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप बैलेंसिंग हो, वो भी बैलेंस हो रहे हैं, तो डीएफडीएम बैलेंसिंग अपने अपने वे में हो रहे हैं, तो दोनों को ही घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि साइलेंट होके कर्मा क्रिएट मत करना, उनके साथ पॉजिटिव वे में रहना कि ठीक है इनका कर्मा रिलीज हो रहा है, बोलते तो बोलने दो, जो कहते हैं कहने दो, अपना साइलेंट वे में आपको काम करने की जरूरत है, आपको कार्मिक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि अपना कर्मा रिलीज कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और लेट गो अपने आप ही होते चले जाएंगे, क्योंकि अब तक उनके अंदर चीजें हिडन थी, इसीलिए हो सकता है वो ट्रिगर के रूप में बाहर ऐसी कुछ चीजें निकल आएंगी आपके सामने, आप खुद भी थॉट क्रिएट करोगे भैया इतना मन में इनके था हमारे लिए, और जिनके लिए हम जान तक देने को तैयार थे, ये लोग हमारे साथ ऐसा भी ऐसा इनके मन में हमारे लिए सोच के रखते, और हम इनके लिए क्या कर रहे थे, हमने डीएफ के साथ इतना गलत कर दिया, जो हमारा रियल सोल थी हमने उसको धोखा देके इन बंदों को चुना जिनके साथ हम लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो लेसन आपके डीएम को दिया जा रहा है इस टाइम राइट वे में, बहुत पेन में है, लेकिन उनको लेसन बड़े तकड़े मिल रहे हैं ट्रिगर के रूप में, और आप तक भी ये चीजें हो सकती हैं, तो दोनों वे में, ठीक है जी, कर्मा रिलीज हो रहा है तो आपके साथ ये पैटर्न रिपीट जरूर होंगे, तो आपको किसी को भी कुछ ब्लेम नहीं करना, पॉजिटिव वे में जो हो रहा है होने दो, एक्सेप्टेंस मोड पे आओ, अपने पार्टनर को भी ब्लेसिंग दो, सपोर्ट करो इंटरनली कि ठीक है जो हो रहा है अपना कर्मा भी बैक करें, हम अपना तब से ही नवक अपना करते हैं जो डिवाइन ने हमें दिया है, और कुछ से कोशिश मत करें, उनको स्पेस दें, जितना स्पेस देंगे वो उतना रिलीज करके अपने वे में आपके तक पहुंचेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव साइन है जो डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो ये आपको खुद से समझदारी से काम लेना है कि उनको आने का मौका दें, अगर वो अपनी तरफ से आते हैं तो आप जरूर उनसे बात कीजिए, लेकिन खुद से उनको स्पेस देने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो शिफ्टिंग आ रहा है ये 77 पोर्टल पे मिरेकल हो रहे हैं, और इसके बाद बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं और होंगे, ठीक है। तो ये परमानेंट तरफ की तरफ यूनियन जो के साइन है जो आपको मिल ही जा रहे हैं कि आपके पार्टनर का कर्मा रिलीज हो रहा है, वो अच्छे से ट्रिगर को समझ रहे हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, सर्कल हो, कोई भी था जिनको वो प्रायोरिटी देते थे, आज उनकी नज़रों में उनके चेहरे उतरते हुए रिवील होते हुए, उनके हिडन जो इस जो उनके बारे में सोच रखते थे वो सब रिवील हो रहे हैं, तो उनकी आंखें खुलनी शुरू हो चुकी है, और आपके लिए वो पॉजिटिव वे में सोचते हुए, आपको याद करते हुए, आपको ढूंढते हुए, आप ही की फिगर कर रहे हैं, आप ही का केयर कर रहे हैं, 24 घंटे आपके माइंड में सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपके साथ लाइव देख रहे हैं, सब आपके लिए हो रहा है, तो आपको भी इन्हें लव सेट करना है, ठीक है। उनको मतलब सपोर्ट नहीं करना, एक तरीके से कहने का मतलब कि ये नहीं हो कि हमने उनके साथ सपोर्ट करके उनको ग्रोथ देनी, नहीं, वो अपने आप वैसे होगा, डिवाइन है, तो आपको एंजल को और डिवाइन मैसेज को देखना है, कहाँ कहाँ आपके क्या क्या इंडिकेशन मिल रहा है उसको नोट करते हुए आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव वे में कर्मा क्रिएट नहीं करना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। तो अब तक की थी ये करंट एनर्जी, और न्यू अपडेट मिलेगी, मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।